डियर स्टूडेंट्स आई वे वन वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माई टूडेज लेक्चर ऑफ सेल्स मैनेजमेंट इन टूडेज लेक्चर वी विल डिस्कस अपॉन द टॉपिक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ पर्सनल सेलिंग यानी कि हम डिस्कस करेंगे कि जो पर्सनल सेलिंग के मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या क्या हैं इसके रिगार्डिंग द वेरी फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ पर्सनल सेलिंग इज टू एनहेंस द सेल्स वॉल्यूम ऑफ द डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑफ द कंपनी यानी कि ऑर्गेनाइजेशन पर्सनल सेलिंग के फंक्शन के बेसिस पर अपने डिफरेंट प्रोडक्ट के सेल्स वॉल्यूम को इंक्रीज करना चाहती है उसको प्रॉपरली एनहेंस करना चाहती है और इसी पॉइंट ऑफ व्यू से पर्सनल सेलिंग को प्रॉपरली फॉलो किया जाता है क्योंकि पर्सनल सेलिंग में जो सेल्समैन होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो फेस टू फेस कम्युनिकेशन को सेटअप करते हैं और उसके बेसिस पर कंपनी के वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स को कस्टमर्स को ऑफर करते हैं सेल के लिए तो इसी वजह से कंपनी अपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स के सेल्स वॉल्यूम को इंक्रीज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से पर्सनल सेलिंग को फॉलो करती है सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज टू एंश्योर दैट देयर इज अ प्रॉपर मिक्स ऑफ प्रोडक्ट्स इन द टोटल सेल्स वॉल्यूम सबसे खास बात है कि जो पर्सनल सेलिंग है जब ऑर्गेनाइजेशन इसको फॉलो करती है तो ये कोशिश करती है कि जो टोटल सेल्स वॉल्यूम में प्रोडक्ट का एक प्रॉपर मिक्स फॉरवर्ड किया जा सके जिससे कि कंज्यूमर्स के लिए वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स सेल्समैन के द्वारा ऑफर किए जा सके नेक्स्ट वन इज द टू एंश्योर दैट द मार्केट शेयर ऑफ द कंपनी इज इंक्रीज बट है ऑर्गेनाइजेशन जब पर्सनल सेलिंग को फॉलो करेगी सेल्समैन को मार्केट में इंट्रोड्यूस करेगी और सेल्समैन के बेसिस पर अपनी सेलिंग को एंश्योर करेगी तो वो चाहेगी कि जो कंपनी का मार्केट शेयर है वो लगातार इंक्रीज होता चला जाए इंडिविजुअल तो बेसिस पर टारगेट कर रही है फेस टू फेस कम्युनिकेशन को सेटअप कर रही है कस्टमर के साथ में कंपनी तो इसी वजह से एफर्ट्स मैक्सिमम होने की वजह से कंपनी हमेशा यह एक्सपेक्ट करती है कि पर्सनल सेलिंग के बेसिस पर उसका मार्केट शेयर लगातार इंक्रीज होता चला जाए नेक्स्ट वन इज द टू एंश्योर दैट द प्रोफिट्स ऑफ द कंपनी है इसके साथ साथ ये भी कोशिश रहती है कंपनी की कि पर्सनल सेलिंग के बेसिस पर अगर मार्केट शेयर इंक्रीज होगा सेल्स वॉल्यूम लगातार इंक्रीज होगा तो ऑब्वियस कंपनी के प्रॉफिट्स भी लगातार इंप्रूव होते चले जाएंगे ये ऑब्जेक्टिव ध्यान में रखते हुए पर्सनल सेलिंग को आगे बढ़ाया जाता है कंपनीज के द्वारा नेक्स्ट वन इज द टू ब्रेक डाउन और रिड्यूज द ओवरऑल सेलिंग एक्सपेंसिस ऑफ द कंपनी कंपनी क्या करती है जो पर्सनल सेलिंग को फोकस करती है उसका फोकस होता है कि जो अदर मोड्स ऑफ एडवर्टाइजिंग है जो अदर मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन मिक्स है या प्रमोशन मिक्स है उन पर खर्चा कम से कम किया जाए और पर्सनल सेलिंग के बेसिस पर मैक्सिमम सेल्स को फॉलो किया जाए तो कुल मिला के जो ओवरऑल सेलिंग एक्सपेंसेस है उनको कम से कम रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको रिड्यूस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑर्गेनाइजेशन पर्सनल सेलिंग की तरफ फोकस करती है ठीक है ये ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहती है हेल्प ऑफ पर्सनल सेलिंग नेक्स्ट वन इज द पर्सनल सेलिंग के बेसिस पर कोई भी कंपनी नए अकाउंट्स को गेन करना चाहती है नए अकाउंट्स का मतलब है कि वो चाहती है कि उसके साथ ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स अटैच होते चले जाए और उनकी लॉयल्टी भी लगातार इंक्रीज होती चली जाए और जब ऐसा होगा लगातार नए नए अकाउंट्स उसके ओपन होते चले जाएंगे यानी कि नए नए कस्टमर्स उसके साथ में अटैच होते चले जाएंगे और उसकी सेल लगातार बढ़ती चली जाएगी तो ऑब्वियसली जो बिजनेस की ग्रोथ है वो भी लगातार इंक्रीज होती चली जाएगी तो बिजनेस की ग्रोथ को एंश्योर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पर्सनल सेलिंग को कंपनी के द्वारा फॉलो किया जाता है अगर अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करना चाहती है, तो उसके लिए वो एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को भी फॉलो करती है और इस डिस्ट्रीब्यूशन चेन को एक्सपेंड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट टाइप के डीलर्स को भी अपॉइंट किया जाना जरूरी होता है तो इन डीलर्स इन को अपॉइंट करने के लिए भी पर्सनल सेलिंग अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इस पर्सनल सेलिंग के बेसिस पर ऑर्गेनाइजेशन अपने डीलर नए ज़्यादा से ज़्यादा डीलर्स को अपॉइंट करने के ऑब्जेक्टिव को भी अचीव कर लेती है ठीक है नेक्स्ट वन इज द टू सिक्योर चैनल मेंबर्स कॉपरेशन इन स्टॉकिंग एज वेल एज सेलिंग द प्रोडक्ट्स ऑफ द कंपनी यानी कि कुल मिला जो कंपनी के चैनल मेंबर्स हैं उनको प्रॉपरली इस तरीके से मोटिवेट करना पर्सनल सेलिंग के बेसिस पर जिससे कि वो कंपनी के ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को परचेस करें उनका ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक रखें और उसके साथ साथ उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में भी सेल करें तो इस पर्पस को भी कंप्लीट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन पर्सनल सेलिंग को फॉलो करती है नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू अचीव द डिज़ायर्ड प्रपोर्शन ऑफ कैश एंड क्रेडिट सेल्स हर ऑर्गेनाइजेशन अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मैक्सिमम क्वांटिटी में सेल करना चाहती है और इसके साथ साथ ये चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा कैश में पेमेंट हो यानी कि एक तरफ उसका गुड्स कंज्यूमर तक पहुँचा और तुरंत उसका पेमेंट हो गया या फिर जो क्रेडिट सेल्स है उनको प्रॉपरली अचीव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऑर्गेनाइजेशन पर्सनल सेलिंग को फोकस करती है नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड प्री सेल एंड आफ्टर सेल सर्विसेस कस्टमर्स को प्री सेल सर्विसेज अवेलेबल करानी है या फिर आफ्टर सेल सर्विसेज अवेलेबल करानी है पर्सनल सेलिंग के बेसिस पर ऐसा किया जाना बहुत हद तक पॉसिबल होता है क्योंकि और अगर मैं अदर कम्युनिकेशन टूल्स की बात करूं एडवर्टाइजिंग है या पब्लिक रिलेशंस है या और भी कोई टूल की अगर बात करी जाए तो उसके बेसिस पर प्री सेल सर्विसेज और आफ्टर सेल सर्विसेज प्रॉपर वे में प्रोवाइड नहीं की जा सकती लेकिन पर्सनल सेलिंग के बेसिस पर ये सर्विसेज प्रॉपर वे में कस्टमर्स को प्रोवाइड किया सकती हैं जिससे कि कस्टमर का सेटिस्फैक्शन हाईएस्ट लेवल तक पहुंच जाता है और कस्टमर आपका लॉयल कस्टमर में भी कन्वर्ट हो जाता है अगर आप उसको प्रॉपर वे में प्री सेल और आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करने में सक्सेसफुल हो पाते हो उस केस में नेक्स्ट वन टू ट्रेन द डीलर्स एंड कस्टमर्स कस्टमर्स और डीलर्स दोनों को ही कंपनी के प्रोडक्ट के रिगार्डिंग ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है उसके यूज के रिगार्डिंग उसके डिफरेंट फंक्शंस के इंफॉर्मेशन की रिगार्डिंग अगर ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है तो ये पर्सनल सेलिंग के बेसिस पर पॉसिबल है जो सेल्समैन होते हैं वो डीलर्स के पास जाते हैं उन्हें प्रोडक्ट के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल कराते हैं किस तरह से उनको सेल करना है प्रोडक्ट को उसके बारे में ट्रेन करते हैं ऐसे ही कस्टमर्स के पास जाते हैं उन्हें प्रॉपरली मोटिवेट करते हैं प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए और किस तरह से उन्हें इस प्रोडक्ट को परचेस करना चाहिए उसकी उनकी इस डिसीजन मेकिंग में भी कंप्लीट सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं तो ये जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव है ये पर्सनल सेलिंग के बेसिस पर अचीव किया जा सकता है नेक्स्ट वन इज टू असिस्ट एंड सपोर्ट अदर प्रमोशनल मेजर्स कंपनी एडवर्टाइजिंग को फोकस करना चाहती है या फिर अदर प्रमोशनल मेजर्स को यूज करना चाहती है तो उसमें कंप्लीट असिस्टेंस और सपोर्ट पर्सनल सेलिंग के बेसिस पर प्रोवाइड किया जाता है नेक्स्ट वन इज टू हेल्प इन कलेक्टिंग द अमाउंट्स ड्यू फ्रॉम द मार्केट मार्केट में जितनी भी अमाउंट ड्यू है कंपनी की प्रोडक्ट को सेल करने के बाद उस पर्टिकुलर अमाउंट को कलेक्ट करने में भी पर्सनल सेलिंग अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है यानी कि ये पर्सनल सेलिंग है है जिसके बेसिस पर इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सकता एंड द लास्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ पर्सनल सेलिंग इज टू हेल्प इन गैदरिंग एंड रिपोर्टिंग मार्केटिंग इंटेलिजेंस यानी कि मार्केट के रिगार्डिंग डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन को गैदर करना है और उसको ऑर्गेनाइजेशन को अवेलेबल कराना है तो ये कैसे पॉसिबल है पर्सनल सेलिंग के बेसिस पर क्योंकि ये जो सेल्समैन होते हैं जो पर्सनल सेलिंग के वर्क में बिजी होते हैं वो मार्केट में डायरेक्टली सप्लाई चेन और कस्टमर्स के कॉन्टेक्ट में होते हैं क्योंकि मार्केट के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होते हैं तो उनके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन होती है तो ये इन्फॉर्मेशन मार्केट के बारे में है या मार्केट चेंजेस के बारे में है ये इसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइजेशन को सप्लाई करते हैं और उसके बेसिस पर ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट टाइप के पॉलिसीज को प्रॉपर वे में चेंज करके उसका प्रॉपर यूज कर सकती है और मैक्सिमम बेनिफिट को अर्न कर सकती है दैट इज क्लियर तो ये तो बात हो गई अबाउट द पर्सनल सेलिंग ऑब्जेक्टिव अब हम बात करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पर्सनल सेलिंग पर्सनल सेलिंग की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है द वेरी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पर्सनल सेलिंग इज लोकेटिंग प्रोस्पेक्टिव कस्टमर सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पर्सनल सेलिंग की कि उसे उन पर्टिकुलर कस्टमर्स को सर्च करना है जो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स की कैटेगरी में आते हैं कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विसेज के रेफरेंस में यानी कि जिन पर्टिकुलर कस्टमर्स के द्वारा कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विसेज को कंज्यूम किए जाने की संभावनाएं सबसे ज्यादा होती हैं ऐसे कस्टमर्स को लोकेट करना ये इनका सबसे पहला दायित्व तो होता है ये सबसे पहला इनका वर्क होता है सेकेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इनकी आइडेंटिफाइंग कस्टमर्स नीड्स एंड वॉन्ट्स इन अ वेरी इफेक्टिव वे सबसे बड़ी बात होती है कि इन्हें पता करना है कि जो कस्टमर्स हैं उनकी बेसिक नीड्स क्या हैं उनकी बेसिक वॉन्ट्स क्या है जो अभी तक बाकी और किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट्स के द्वारा फुलफिल नहीं की जा सकी हैं ऐसी नीड्स एंड वॉन्ट्स को इफेक्टिव वे में आइडेंटिफाई कर कि, किया जाना ये बहुत जरूरी होता है इन पर्टिकुलर सेल्समैन के द्वारा पर्सनल सेलिंग की प्रोसेस में क्योंकि अगर ये प्रॉपर नीड्स एंड वांट्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो उसके बेसिस पर पर्सनल सेलिंग की प्रोसेस को अप्लाई करना बहुत आसान हो जाता है और कस्टमर को ऐसे कस्टमर्स को कंपनी के प्रोडक्ट्स सेल करना बहुत आसान हो जाता है नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज काउंसलिंग द प्रोस्पेक्ट्स एंड सजेस्टिंग द पॉसिबल सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग परचेजिंग डिसीजन यही सबसे बड़ी बात क्या है कि इन्हें काउंसलिंग करनी होती है ऐसे प्रोस्पेक्ट से जिनके द्वारा कंपनी के प्रोडक्ट को परचेज किए जाने की संभावनाएं सबसे ज्यादा है और फिर उनको सजेस्ट भी करना होता है कि भाई परचेजिंग डिसीजन के रिगार्डिंग जो वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसके क्या क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस उनके सामने हैं और किस तरह से कंपनी के वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट जिसमें सेल्समैन डील कर रहे हैं वो उनकी इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को प्रॉपर सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग उन्हें प्रॉपर सजेशंस प्रोवाइड करना ये भी इनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है नेक्स्ट वन इज द सिक्योरिंग एंड मेंटेनिंग कस्टमर्स कोऑपरेशन इन प्रमोटिंग द प्रोडक्ट लाइन यानी कि कंपनी के जो प्रोडक्ट लाइन है उसको प्रमोट करने के रेफरेंस में कस्टमर्स के कॉपेशन को सिक्योर करना और उसको प्रॉपरली मेंटेन करना ये भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया में काउंट किया जाता है नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इन्फॉर्मिंग कस्टमर्स रिगार्डिंग द चेंजेस इन द प्रोडक्ट लाइन एंड अदर स्ट्रेटजीज यानी कि अगर कंपनी के प्रोडक्ट लाइन में या उसकी स्ट्रेटजी में किसी भी तरीके का कोई भी चेंज हो रहा है तो इन चेंजेस के रिगार्डिंग अपने कस्टमर्स को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल कराना ये भी इनके रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया में काउंट किया जाता है इसके साथ साथ असिस्टिंग कस्टमर्स बाई गिविंग एडवाइस रिगार्डिंग टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ द प्रोडक्ट यानी कि अगर प्रोडक्ट ऐसा है जो टेक्निकल एस्पेक्ट को फॉलो कर रहा है तो उसके टेक्निकल एस्पेक्ट को अपने कस्टमर्स को बहुत अच्छी तरीके से समझाना और इसके रिगार्डिंग कस्टमर्स को कंप्लीट असिस्टेंस प्रोवाइड करना ये भी इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया होता है इसके साथ साथ नेक्स्ट वन रहता है इसका कलेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ मार्केट इन्फॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट मार्केट में कोई भी चेंजेस हो रहे हैं या मार्केट में जो भी इंफॉर्मेशन उनके पास कलेक्ट हो रही है उसको प्रॉपरली मैनेजमेंट को रिपोर्ट करना ये भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में इंक्लूड किया जाता है इसके साथ साथ नेक्स्ट वन इज द द एनालाइजिंग मार्केट पोटेंशियल मार्केट पोटेंशियल को प्रॉपरली एनालाइज करना ये देखना कि मार्केट में कितना पोटेंशियल अवेलेबल है जिसके बेसिस पर कंपनी की सेल्स को ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में फॉलो किया जा सकता है तो मार्केट पोटेंशियल को प्रॉपरली एनालाइज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पर्सनल सेलिंग के एरिया में काउंट की जाती है नेक्स्ट वन इज द कैप्चरिंग एंड रिटेनिंग अ सर्टेन मार्केट शेयर एक सर्टेन मार्केट शेयर को प्रॉपरली कैप्चर करना और उसको रिटेन करना टारगेट्स दिए जाते हैं और पर्सनल सेलिंग के बेसिस पर इन टारगेट्स को इस तरह से अचीव किया जाता है जिससे कि एक पर्टिकुलर एक सर्टेन मार्केट शेयर को कैप्चर किया जा सके और उसको रिटेन भी किया जा सके नेक्स्ट वन इज द डिमोन्स्ट्रेटिंग द ऑर्गनाइजेशनल प्रोडक्ट एंड द स्पेशल फीचर्स ऑर्गेनाइजेशन के जो भी प्रोडक्ट्स हैं इनको प्रॉपरली कस्टमर के साथ में या उनके सामने डेमॉन्स्ट्रेशन देना कि किस तरह से इनकी फंक्शन रहती है और किस तरह से ये कस्टमर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग एक प्रॉपर डेमोन्स्ट्रेशन दिया जाता है पर्सनल सेलिंग के बेसिस पर और फिर उनके स्पेशल फीचर्स भी प्रॉपरली डिफाइन किए जाते हैं टू द कस्टमर्स बाय द सेल्स मैन क्लियर नेक्स्ट वन इज द एक्वायरिंग द प्रोस्पेक्ट कमिटमेंट एंड क्लोजिंग द सेल प्रोस्पेक्ट यानी कि जो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर है उसके कमिटमेंट को एक्वायर करना यानी कि फाइनली वो आपके प्रोडक्ट को लेकर कन्विंस हो जाता है सेटिस्फाइड हो जाता है और वो आपके प्रोडक्ट को परचेज कर लेता है यहां आप अपनी सेल को क्लोज कर सकते हैं क्लोज का मतलब ऐसा नहीं कि आप कस्टमर से कॉन्टेक्ट नहीं करेंगे आपको आफ्टर सर्विसेज प्रोवाइड करनी है कोई और नया प्रोडक्ट कंपनी का अवेलेबल है मार्केट में तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल करानी है तो इस तरह से आपको भी लगातार कस्टमर के कॉन्टेक्ट में बने रहना होता है ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया काउंट किया जाता है पर्सनल सेलिंग का द लास्ट वन इज द मेंटेनिंग कस्टमर लॉयल्टी थ्रू फॉलो अप एंड आफ्टर सेल सर्विसेज ये बात मैं कर रहा था कि कस्टमर की लॉयल्टी अगर आपको मेंटेन करनी है तो मेंटेन करने के लिए आपको लगातार फॉलोअप करना जरूरी है कस्टमर को और उसे आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करनी जरूरी है जिससे कि उसका सेटिस्फैक्शन लेवल मैक्सिमम हो सके और वो लगातार कंपनी के प्रोडक्ट को प्रीफर करना शुरू कर दे तो इसी वजह से फॉलो अप और आफ्टर सेल सर्विसेज ये दो मेन टूल्स होते हैं पर्सनल सेलिंग में जिसके बेसिस पर कस्टमर के साथ में लॉन्ग टर्म रिलेशंस को मेंटेन किया जाता है क्लियर सो दिस ऑल आर द पॉइंट्स दैट क्लैरिफाई द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पर्सनल सेलिंग थैंक यू